नमस्कार, आज के श्रमिक मध्य न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा, आज के खबरों के साथ। अब आप जान रहे हैं कि 16 दिसंबर से पहले हमें सत्र करना है और ये बैठक इसलिए थी कि हम लोग आपस में चर्चा कर लें कि तारीखों पर चर्चा कर लें और सदन कहाँ हो इसकी चर्चा करें, तो एक अच्छी चर्चा हुई है और सरकार तक हमने अपनी बात सब रख दी। अब आगे निर्णय सरकार लेती है, जिसे आप जानते हैं मैम, तो किस तरह की बातचीत रही, तमाम नेता मौजूद रहे देहरादून में। इसी देखिए, ऐसा है कि 9 को क्योंकि स्थापना दिवस है और मैं आपके माध्यम से ही बताना चाहूँगी सभी को कि 9 को हम गैरसैंण में स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं और मेरा निवेदन भी रहेगा और सभी विधायकों को भी पत्र जाएंगे कि इस बार प्रयास करें कि स्थापना दिवस के अवसर पर गैरसैंण पहुँचें और वहाँ हम सब साथ में स्थापना दिवस मनाएं। तो क्योंकि स्थापना दिवस 9 को है, कुछ हमारे लोग हिमाचल के चुनाव में भी व्यस्त हैं, इसलिए 15 के बाद की अभी बात हुई है, लेकिन अभी तारीख का निर्णय नहीं हुआ है, वो आप जानते हैं कैबिनेट से हुआ। तो इस तरह की बातचीत हुई कि हमें कहाँ पर और किस समय पर ये सत्र। सुझाव क्या निकल रहे हैं मैडम, गैरसैंण के लिए ज़्यादा निकल रहे हैं? जी, दोनों है। बेसिकली देखिए, गैरसैंण में सत्र सभी चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, सभी लोग गैरसैंण भी चाहते हैं। तो अब जिस तरह का मन बनेगा, सरकार का जो निर्णय होगा, वो हम अपना सुझाव जो हम लोगों ने वहाँ पर जो जिस तरह की बातचीत हुई है वो सरकार तक हम लोगों ने बताया। बहुमत क्या रहा है? निर्दलीय विधायक बुलाए गए थे ऑफिशियली सर्वदलीय बैठक में, तो ये फोरम का हिस्सा नहीं होते? जी, नहीं होते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन आमंत्रित जरूर हम कर सकते हैं, तो इसलिए हमने उन्हें आमंत्रित किया था। फोरम में नहीं होते हैं, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन आमंत्रित हम कर सकते हैं और उसी के तहत हमने आमंत्रित किया था। और यहाँ पर मेरा कहना सही नहीं होगा कि अंदर किस तरह का डिस्कशन हुआ, क्योंकि वो सरकार का प्रेरोगेटिव है, मेरा नहीं है। तो इसलिए बात हुई है, अब क्या बात हुई आपको जल्द पता चलेगा। मैम, विधानसभा तैयार है सत्र गैरसैंण में करवाने को, अगर वायदे में राय बनती है? विधानसभा सचिवालय हमेशा तैयार रहता है और जो भी निर्णय होगा उसको करने में हम पूरी तरह से सक्षम हैं। मैम, अभी अभी मैडम जी, पूर्व में आपके द्वारा एक एक्शन लिया गया था बैकडोर भर्ती को लेकर, क्या एक सौ कार्रवाई सब दिखावे के मात्र था खाली? सब जूटिस है मामला, सचिव मुकेश सिंघल पे आपने कहा था एक जांच बैठी की, क्योंकि 60 लाख का पेमेंट वो कर चुके हैं सचिव को और वो कंपनी, क्योंकि एसटीएफ कई मामलों में जांच कर रही है, तो ये जांच कब तक बैठ सकती है? कार्रवाई शुरू हो गई है, देखिए सिस्टम होता है, कार्रवाई शुरू हो गई है और धीरे धीरे आपको सब पता चलेगा। हम लोगों ने अपनी जो कार्रवाई जो एडमिनिस्ट्रेटिवली कार्रवाई होती है वो हमने शुरू कर दी। मैम, जो साहब सब जूडस है, मैं उस पर बोल नहीं सकती।